हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के फैसले का, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं आ पाया है। और ये फाइनल फैसला जो है आपको 31 मई को मिल पाएगा, क्योंकि अभी 31 मई की एक मीटिंग और होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि आज राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद थे। साथ ही साथ सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव भी मौजूद थे, जहाँ पे ये बात हो रही थी कि बच्चों को या तो सारे मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम करवाए जाए, जो 19 मेजर सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाए। फिर एक दूसरा ऑप्शन आया कि नहीं, बच्चों का 1.5 घंटे का पेपर, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाए। लेकिन अभी इस पर एक मत नहीं हो पाई है। वहीं पे दिल्ली राज्य के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि नहीं, एग्ज़ाम तो होना ही नहीं चाहिए, और या फिर एग्ज़ाम की बातें तब उठनी चाहिए जब सभी शिक्षक और विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो जाए, सभी को वैक्सीनेट किया जाए, सभी को वैक्सीनेशन किया जाए, उसके बाद इस पे बात की जाए। तो देखिए, अभी जो राजनाथ सिंह से मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये कहा गया है सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिवों को कि आप 2 दिनों के अंदर में लिखित राय भेजिए। आपकी जो राय है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो लिखित के रूप में आप भेजिए, और अभी जो राय बनेगी, जो एकमत राय आएगी, उसके बेसिस पे ये निर्णय लिया जाएगा, और 31 तारीख की मीटिंग में, 31 मई को जो होने वाली मीटिंग है, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इन तैयारियों से आपके आगे का करियर भी डिसाइड होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।